बस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में, वो थोड़ा सा नॉन कैनन है। क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सुपर सैयन इन्फिनिटी वर्सेस गोकू नेक्स्ट फ्यूचर वर्सेस सुपर सैयन 20,000। इसका मुझे पता है, मैंने सुपर सैयन इन्फिनिटी और 20,000 के ऊपर बहुत देर से कोई वीडियो नहीं लाई है, पर अब मैं ले आया हूँ। और मैं सोच रहा हूँ मैं वर्सेस बैटल से थोड़ी देर के लिए रिटायरमेंट लूँ, क्योंकि कुछ लोगों को वर्सेस बैटल पसंद नहीं आया। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी एनिमे का रिव्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। वैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं टोकियो एवेंजर्स का रिव्यू करूं, तो वो मैं करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो बिना किसी बकवास के। सबसे पहले बात करते हैं सुपर सैयन इन्फिनिटी के कुछ पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। सुपर सैयन इन्फिनिटी का अपना फैन मेड गोकू है, जो कि पूरी तरह से फैन मेड है। इसे कैनन समझने की भूल बिल्कुल मत कर देना। ये गोकू का फाइनल फॉर्म है, और गाइस आप इसे अल्टीमेट सुपर सैयन भी कह सकते हो, और इसके ऊपर कोई फॉर्म नहीं आती है। गोकू इस फॉर्म में आने के बाद टोटली ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीसाइंस बन जाता है, और गोकू से पावरफुल इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं होता है। और गाइस गोकू का जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और गोकू की जो वॉइस होती है वो थोड़ी डेविल जैसी हो जाती है। और गोकू के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने एक ही कामेहामेहा से पूरे के पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रख जाता है। और गोकू की अगर गोकू कुछ पावर्स एबिलिटीज के बारे में बात करें, तो वो है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टेमिना, मेटल मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, वाटर मैनिपुलेशन, मेटल मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, लॉ मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, पावर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, गाइस लाइफ एंड डेथ मैनिपुलेशन। गाइस कोकू चाहे तो किसी को भी जिंदा कर सकता है, और किसी को भी अपनी एक ही थॉट में एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। अब बात करते हैं अपने फ्यूचर गोकू के बारे में। तो गाइस फ्यूचर गोकू को कहते हैं गोकू नेक्स्ट फ्यूचर, इसका ये भी नाम है। तो गाइस गोकू नेक्स्ट फ्यूचर के बाद भी बहुत सी पावर्स और एबिलिटीज हैं, और गाइस ये भी एक फैन मेड गोकू है। इसमें दिखाया गया है कि एक डार्ट होता है, डार्ट नाम का बंदा, जिसने सारे के सारे ज़ेनों को बनाया है, मतलब जिसमें अपना ज़ेनो आता है और बहुत से डायमेंशन के ज़ेनो आते हैं। तो गाइस उस ज़ेनो में से गाइस डार्ट है ना, वो सबसे पावरफुल है। उस डार्ट का रीकार्नरेशन बताया गया है गोकू को। और इस फॉर्म में आने के बाद गोकू इतना पावरफुल हो जाता है कि कैसे ज़ेनो ने भी स्टेटमेंट दी है कि जो गोकू है ना वो एक बाउंडलेस करेक्टर बन जाता है। गोकू का इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स पर रूल करता है इस फॉर्म में, और गोकू के पास इतनी पावर है कि वो पूरे पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और इस फॉर्म में आने के बाद गोकू के पास कुछ पावर्स और एबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन सेंसेस, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस, ओमनीसाइंस, ओमनीसेंसेस, एनर्जी मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, वाटर मैनिपुलेशन, मेटल मैनिपुलेशन, नेचर मैनिपुलेशन, नेचर ट्रांजिशन, यिंग एंड यांग रिलीज, और उसके मतलब सॉरी यस यिंग और यांग मैनिपुलेशन से मैंने रिलीज बोल दिया, नारुतो में चला गया था सॉरी। हाँ, तो प्लॉट मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, लॉ मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, ओमनीवर्स मैनिपुलेशन, मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन, मल्टीवर्स क्रिएशन, यूनिवर्स क्रिएशन, गैलेक्सी क्रिएशन। इस गोकू जो है तो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके वापस से रिक्रिएट भी कर सकता है। इस फॉर्म में जाने के बाद गोकू एक अलग ही लेवल का बींग बन जाता है, और गोकू की पावरफुल एबिलिटीज एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती हैं। गोकू चाहे तो अपने एक ही पंच में किसी को भी डिफीट कर सकता है। इसके सामने ज़ेनो भी कुछ नहीं है, ज़ेनो को भी आराम से बिल्कुल ईजिली क्लैप करेगा। और गाइस इस मैच में गाइस गोकू नेक्स्ट फ्यूचर सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बींग है। अब बात करते हैं अपने सुपर सैयन 20,000 के बारे में। तो सुपर सैयन 20,000 गाइस अपना एक नॉन कैनन वर्जन है, गोकू का एक विलन है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसका नाम है सीजोर। वो गाइस इस फॉर्म को अचीव कर लेता है कैसे, कि ये फॉर्म में गाइस ओमनीपोटेंट है। पर अगर गाइस ये फॉर्म ओमनीपोटेंट है तो गोकू की ओमनीपोटेंट नहीं होगी, और अगर ये फॉर्म ओमनीपोटेंट नहीं है तो गोकू की ओमनीपोटेंट होगी। वो तो आगे ही पता चलेगा, पर हम इसको अभी मान के चलेंगे ओमनीपोटेंट। तो इस फॉर्म में गाइस जो अपना सीजर होता है उसका नाम पड़ जाता है सुपर सैयन 20,000, और उसके हेयर कलर जो है ना वो पर्पल सा हो जाता है, और उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पावर्स और एबिलिटीज आ जाती हैं, जैसे कि उसके पास आ जाती है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, जैसे कि वो एक ही पंच में किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक ही पंच में मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। गॉड लाइक स्पीड, उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज हो जाती है। गॉड लाइक रिफ्लेक्सेस, जो अपना सुपर सैयन 20,000 है वो किसी भी अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर सकता है। सुपर ह्यूमन स्टैमिना, मतलब उसको इतना स्टैमिना होता है कि वो लाइफ टाइम इनफिनाइट टाइम तक लड़ सकता है। गाइस गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी मतलब वो इतना ड्यूरेबल है, अगर आप उसके ऊपर पूरे का पूरा यूनिवर्स, मतलब एक यूनिवर्स है ना मल्टीवर्स, अगर आप मल्टीवर्स की एनर्जी को पूरा अपने अंदर लोगे और उस मल्टीवर्स को अगर सुपर सैयन उसके ऊपर मारोगे ना 20,000 के ऊपर, तो वो उसको भी तभी कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर आप लाखों इन्फिनाइट प्लैनेट मारो, इन्फिनाइट गैलेक्सी मारो, उसको जितना मर्जी मारोगे उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसकी भी कुछ पावर्स एबिलिटीज के बारे में बात करें, तो इसके पास भी कैसे अपना प्लॉट मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, गॉडली की मास्टरी, अपना डेथ ट्रांसेंडेंट, प्लॉट मैनिपुलेशन, लॉ मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग,
और कैसे इसकी रियलिटी लिविंग काफी ओपी लेवल पे, चाहे तो पूरे के पूरे मल्टीवर्स ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करके वापस से रिक्रिएट कर सकता है। इसके पास अपना सुपर कामयाहा बिग बैंग अटैक भी है इसके पास, और कैसे हमने सारे के सारे जो गोकू के वर्जन है ना उन सबको कैसे थोड़ा डिस्कस कर लिया है, इन सबकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जान लिया है। अब देखते हैं कि विनर कौन होगा। तो कैसे सबसे पहले मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे लगता है इस मैच में सबसे पहले बाहर होगा, ऐसे मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि सबसे पहले बाहर होगा अपना, सॉरी मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो है अपना सुपर सेन 20,000। क्योंकि सुपर सेन 20,000 को मुझे लग रहा है कि वो विलन है, तो इसका मतलब शायद वो गाइस अपना ना ओमनीपोटेंट हो, और जो अपने दोनों बीइंग है वो ओमनीपोटेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि नेक्स्ट गोकू नेक्स्ट फ्यूचर वो ओमनीपोटेंट नहीं है, पर गाइस मैंने इसकी साइट में पढ़ा है वो टोटली ओमनीपोटेंट है। तो गाइस आप बचे अपने गोकू नेक्स्ट फ्यूचर और अपना सुपर सेन इन्फिनिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मेरे मन में आ रहा है कि इस मैच का विनर होगा अपना सुपर सेन इन्फिनिटी, क्योंकि सुपर सेन इन्फिनिटी जो है वो अपने ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जो अपने गोकू नेक्स्ट फ्यूचर वो ओमनीवर्स पर रूल करता है। अभी कोई ये स्टेटमेंट नहीं है कि वो ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अभी तक हम मान के चलते हैं कि सुपर सेन इन्फिनिटी विनर है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल पर जरूर ना गाइस आप व्यूज आते तो ऊपर सब्सक्राइब करते नहीं हुए, मैं देख रहा हूँ तो कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।